निवेदिता। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पाकिस्तान की तिलमिलाहट बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत जैसे देश के आगे वो कहां टिक पाता है शायद वो खुद भी नहीं जानता। तभी तो एक्शन के नाम पर नील बटे सन्नाटा है। लग रहा है मानो भारत और पूरी दुनिया का पाकिस्तान बहुत बड़ा दबाव झेल रहा है, लेकिन गीदड़ भपकियां देने से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान से रोज के तौर पर कोई न कोई परमाणु हमले की धमकी दे ही देता है। पाक पीएम इमरान खान के बाद अब पाकिस्तान के रेल मंत्री राशिद खान अपनी परमाणु शक्तियों का बखान कर रहे हैं। वही राशिद खान जो जब साल 1998 में पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण हुआ था तो वहां से भाग खड़े हुए थे, जिसका खुलासा खुद उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्हें खौफ था कि परीक्षण के दौरान कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। अब आप अंदाजा लगाइए, जिस देश के नेता को अपने देश पर परमाणु परीक्षण सफलता से कर पाने का ही शक हो, वो भला किस बिना पर भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, वो भी 100 ग्राम और पाव भर के परमाणु बमों से। जी हाँ, शेख राशिद के मुताबिक पाकिस्तान के पास 125 से 250 ग्राम के परमाणु बम हैं, जो भारत के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने में सक्षम है। अब शेख राशिद को कोई ये समझाए कि जब युद्ध होगा तब भारत कुछ ग्राम के परमाणु बमों से हमला नहीं करेगा, बल्कि किलो टन के परमाणु बम से अपनी शक्ति दिखाएगा। मंत्री शेख राशिद को युद्ध की जल्दी कुछ ऐसी है कि वो जल्द से जल्द युद्ध कराना चाहते हैं। उनके मुताबिक अक्टूबर के आखिर या फिर नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान का भारत से युद्ध हो जाएगा, जिसके लिए वो खुद को तत्पर तैयार बता रहे हैं। क्या शेख राशिद भूल रहे हैं कि अगर परमाणु हमला हुआ तो सिर्फ भारत पर इसका असर नहीं दिखेगा, बल्कि पाकिस्तान तो विश्व के नक्शे से ही गायब हो जाएगा। कहते हैं कि हमने ये हथियार कोई दिवाली पर चलाने के लिए नहीं रखे हैं। अगर पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का वक्त आ गया है तो वो भारत पर हमला कर देगा। तो ये हैं शेख राशिद साहब, जो पाकिस्तान के रेल मंत्री हैं और खुद को अपने देश को बहुत बड़ी तोप समझ रहे हैं। तभी तो भारत को धमकी देने से पहले इनकी जुबान नहीं लड़खड़ाई। पाक मंत्री शेख राशिद सुर्खियों में बने ही रहते हैं। कभी उन्हें भारत के पीएम मोदी के खिलाफ बोलते हुए करंट लग जाता है, तो कभी वो लंदन में घूसे खाने और उन पर अंडे फेंके जाने के लिए चर्चा में आ जाते हैं। बता दें कि शेख राशिद भारत को धमकी देने वाले कोई पहले शख्स नहीं है। इनसे पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान कई दफा भारत को युद्ध की धमकी दे चुके हैं, वो भी तब जब उन्हें पता है कि युद्ध कोई हल नहीं है और दुनिया इससे तबाह हो सकती है। तो पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद के पास अभी भी वक्त है, वो चाहे तो खुद की जुबान को लगाम दें और भारत को धमकाने के बजाय अपने प्रधानमंत्री को समझाएं कि भारत से दुश्मनी मोल लेना पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ने वाला है। टाइल से बाहर ना निकल सकें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 10 जंगें, ये लाइट बंद कर देनी कह रहे हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान या 10 जंगें हो चुकी हैं या 10 जंगों के हम करीब करीब से वापस लौटे हैं, लेकिन आज जिस जगह पहुंचे हैं ये 1947 का समा है और 23-24 दिन से कश्मीरियों के साथ हिटलर मोदी ने, सफाक मुसलिनी ने, मोदी ने और भेड़िए मोदी ने मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम से, और एक खूनखार मोदी ने जो आरएसएस का शूट ऑफ है, जिसकी जिंदगी की बेसिक ट्रेनिंग ये है कि हिंदू दत्त को उजागर किया जाए, उसने पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया में अजीब समा बना दिया। और स्टेट सेक्रेटरी साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की कि आज कश्मीर के ज़ाफ़रानों से बारूद की बू आने का वक्त आ गया है। आज पुरफ़ज़ा मकाम जो हैं, आज पुरफ़ज़ा मकाम जो हैं वो कानून, वो आग और खून की बस्तियों में बदल सकते हैं। फैसला कश्मीरियों की जिद्दोजहद, पीछे हो जाओ भाई। आज मैं नौजवानों से यह कहना चाहता हूं, कल इमरान खान साहब ने 12 से 12:30 बजे का वक्त टाइम दिया है, मैं इंशाल्लाह तमाम कॉलेजों में खुद जाऊंगा। मैं एक स्टूडेंट वर्कर रहा हूं
और अल्लाह के फजल से रावलपिंडी पाकिस्तान का सबसे तालीम याफ्ता शहर है। हम 27वें नंबर पे थे, आज पहले नंबर हैं खास तौर पर फीमेल। हमने अभी एक नई यूनिवर्सिटी 4 दिन पहले आपके पड़ोस में सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी यूनिवर्सिटी खोली है। एक पहले हमने अल्लाह ने हमसे काम लिया फातिमा जना यूनिवर्सिटी का, और तीसरी हम आईटी यूनिवर्सिटी खोलेंगे इमरान खान के और बुज़दार के दौर में इंशाअल्लाह ताला। आज जो मैं आपसे कश्मीर पर बात करने आया हूं कि मैं 27 तारीख तक तो 28 तारीख तक तो जलसा जलसा और जुलूस जुलूस देख रहा हूं, और इमरान खान की तकरीर जो है 27 या 26 सितंबर को वो बड़ी अहमियत की हामिल होगी, लेकिन इक़वामे मतिद्दा ने आज तक मसलों को हल नहीं किया है। अगर सलामती कौंसल मसलों को हल करती तो आज कश्मीर में राय शुमारी हो चुकी होती। हमें सलामती कौंसल और अमेरिका से बहुत सारी तौक़ात नहीं रखनी। मैं अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग होती हुई देख रहा हूं। इसके लिए कौम को तैयार करने निकला हूं। ये जरूरी नहीं कि जंग हो, लेकिन जिस मोदी को समझने में बड़े सियासतदानों ने गलती की, मैंने कभी गलती नहीं की। मैं सार्क का सरबरा था, मुझे उन्होंने इंडिया नहीं घुसने दिया। वाजपेयी यहां आए और मैं वजीर मेहमानदारी था, उन्होंने कहा ये वजीर हमें कबूल नहीं है। असल मसला क्या है? 25 करोड़ 24 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। आज हमें अपने तमाम इख्तलाफात मिटाकर कश्मीर की आवाज के साथ कदम के साथ कदम मिलाना है और कंधे के साथ कंधा जोड़ना है, वरना तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। अगर हम कश्मीरियों के साथ खड़े ना हुए, मैं नौजवान नस्ल से मुखातिब हूं, तो कायदे आजम का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। वो शख्स जिसने वक्त से पहले लिया, वो कांग्रेस का मेंबर था। कायदे आजम ने कांग्रेस ज्वाइन की। जब कायदे आजम ने देखा कि ये एक मुतसब एक मुसलमान दुश्मन सोच है, तो उसने इस मुसलमान को एक नई रियासत पाकिस्तान के नाम पर दी। हमारे माशी मसाइल हैं, हमारे सियासी मसाइल हैं, हमारे इक्तसादी मसाइल हैं, हमारे दफाई मसाइल हैं, लेकिन 130 मिलियन हमारे पास ऐसा नौजवान है जो इस्लाम और पाकिस्तान के लिए जीता है और इस्लाम और पाकिस्तान के लिए मरता है। मैं खुद इंशाअल्लाह 10 मुहर्रम के बाद दोबारा कश्मीर के दौरे पे जाऊंगा, क्योंकि सियासतदान वो नहीं होता जो दीवार के सामने या एसी लगा हुआ देख ले या झंडा लगा हुआ देख ले। सियासतदान वो होता है जो दीवार के पीछे देखने की सलाहियतें रखता है, जो फ्यूचरिस्ट होता है, जिसका फहम और तदब्बर आने वाले वक्त के लिए होता है। और आज मैं पहली बात अल्लाह सुबह कहे, घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। 72 साल जो हमने, हमारी पाक अफवाज ने, हमारी अजीम अफवाज ने जो तैयारी की, जो जिद्दोजहद की, मेरा ख्याल है उसके फाइनल राउंड का वक्त आएगा। क्योंकि सारी दुनिया जो मर्जी कह ले, एक सिक माइंडेड हिटलर, एक ज़ेनी पस्ती का शिकार मुसोलिनी मोदी, एक हिंदू दत्त को एक सुपर पावर के ख्वाब देखने वाला फासिस्ट मोदी, उसके रास्ते में एक ही मुल्क रुकावट है, वो है पाकिस्तान। उसको रास्ता चाहिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से अफगानिस्तान और दुनिया में जाने के लिए। उसको फजा में से मुकाम चाहिए,
उसको समुंदर में से दुनिया के साथ जाने के लिए, वो चाबहार जाने के लिए ग्वादर उसके रास्ते की रुकावट है।